पापा को क्यों आपके इस तरीके से? पता नहीं क्यों क्या हुआ पता नहीं, वो तो घर पे आए तब उन्हें ये पता लगा कि हादसा हो गया है। जब घर पे आने के बाद उन्होंने फोन देखा तो ये कहा कि हम वहाँ से आए लेकिन हमें ये नहीं पता ये हादसा कहाँ हुआ है। 2 किलोमीटर आगे थे वो। अच्छा। वो बान पार्किंग में वो कर रहे थे तो आने के बाद जब पता चला तो पता चलने के बाद सैनिक तो क्या नाम जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर कहा ये कहा कि ऐसा जब उन्हें परसों से ही पता चला इतने लोग ये खत्म हो गए तो उन्होंने कहा हम तो आगे थे हमें ये भी नहीं पता ये हुआ कैसे। ये कौन आखिर नाम बता दिया अपने पापा को? किसने बता दिया? पता नहीं किसने बता दिया। वो गांव में आके सुबह पुलिस वाले आए तब पता नहीं किसी ने बता दिया वो क्या किया। कोई बातचीत हुई आप लोगों से? किनकी? आपके पापा से बातचीत? पापा से नहीं इतनी बात हुई कि उन्होंने इतना बोला कि हम जेल जा रहे अली बस। हाँ इतना ही बोला। तो इसमें किसको आप दोष दे रहे हैं? हम सरकार को कि हमारे पापा बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो जिनके घर खाली हुए वे कहकर तुम्हारे पापा तो आए नहीं है 10-15 दिन में चार छाड़ दे पागल अब सरकार से चाहते हैं। हाँ सरकार से यही चाहते हैं हमारे पापा बेगुनाह है कोई कसूर नहीं है। अगर वो हादसा हुआ था अगर वो वहाँ पे मौके पर होते तो ये कहते हाँ गुनहगार हैं लेकिन हमारे पापा घर पे आने के बाद ये पता चला कि हादसा हुआ है। सरकार से मेरी यही मांग है कि मेरे पापा बेगुनाह है ना जल्द से जल्द। चलो ये भानपुरा गांव है और ये राम लड़ैत यादव की बच्ची है वो उनकी माता जी हैं ये उनका घर है और ये आप देखिए कि किस तरीके से एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और घर के अंदर भी आप देखिए कि कुछ नहीं है। एक बेटा है उनका जो कि दिल्ली में अपना छोटी मोटी नौकरी करके मजदूरी करके पेट पाल रहा है। इस तरीके से राम लड़ैत यादव जी का घर है और ये आप देखिए ये आटा पीसने वाली चक्की ये चूल्हा गैस चूल्हा जमा पूंजी के नाम पर बस यही है लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े सत्संग में जो हादसा हुआ 121 लोग मारे गए उसमें पकड़ा कौन जा रहा है राम लड़ैत जैसे गरीब किसान जो कि बाबा के अनुयायी थे और सेवा देने के लिए गए थे। परिवार का कहना है कि वो बस उस रोड पर जो मुख्य रोड है उस पर वो यातायात निकालने का काम कर रहे थे यानी यातायात सुचारू तरीके से चले इसका काम कर रहे थे लेकिन मारा कौन जाता है गरीब परिवार के लोग पकड़ा कौन जाता है गरीब किसान के लोग। तो इस तरीके से अभी तक जांच चल रही है। जो बाबा जो मुख्य आयोजन करता थे जिन्होंने राम लठैत जैसे जो साधारण किसान हैं उनको इन्होंने अपना अनुयायी बनाया सेवा का काम सौंपा पकड़े ये लोग जा रहे हैं। अब आप सोचिए इसमें बाबा से अभी तक पुलिस ने पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है पुलिस ने बाबा तक का बयान तक लेने की जहमत नहीं उठाई है लेकिन भानपुरा गांव के एक छोटे से किसान राम लड़ैत यादव को जरूर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन के और प्रमोद पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला NDTV इंडिया।